हेलो जय हिंद भाई लोगों। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आर्मर सेंटर जो कि अहमदानगर के अंदर है महाराष्ट्र में। ग्राउंड में रनिंग होती है, रोड पर रनिंग होती है, मेडिकल कैसे होता है, दौड़ कैसी होती है, टाइम कितना दिया जाता है और बैच कितने का बनता है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो नॉर्मली बैच बनता है इनका 90 या 100 का लास्ट बैच बनता है। आर्मर सेंटर की बात बता रहा हूँ मैं, 90 या 100 का लास्ट बैच बनता है। टाइम सब सेंटर में लगभग सब सेंटर है सब में टाइम बिल्कुल बराबर दिया जाता है। तो भाई बात ऐसी है, टाइम मेरे को तो नहीं लगा कम दिया, पूरा टाइम दिया था 5:30 से 45 तक। हाँ 45 पूरा टाइम देता है। मैं मेरे सेंटर की बता रहा हूँ, मेरा खुद का रिलेशन है आर्मर सेंटर के अंदर। तो 5:45 तक पूरा टाइम दिया था, मैं 5:30 से पहले आ गया था। तो 5:30 से पहले जो आता है वो एक्सलेंट होता है और जो 5:30 से 45 के बीच में आता है वो गुडम होता है। तो टाइम की दिक्कत होती है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पूरा देते हैं और बैच में 90 या 100 के बीच में बनाएंगे आपका। तो सबसे हार्ड मेरे को लगा इसका मेडिकल, आर्मर सेंटर का मेडिकल बहुत हार्ड लगा मेरे। हम थे 101 बंदे थे जिसके अंदर 97 को मेडिकल पॉइंट दिया था, जिसके अंदर 97 के अंदर मैं भी था और चार बंदे जिनको पूरा मेडिकल फिट कर दिया था। और मेडिकल पॉइंट भी ऐसा नहीं टूटता, नहीं टूट जाता है भाई, सबका टूट जाता है मेडिकल पॉइंट। और कुछ जानना है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, बता देना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है पहली वाली वीडियो की, जाके वीडियो को देख लेना, ग्राउंड बताया हुआ है ना विद्या स्टेडियम। और कोई भी बात जाननी हो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, लगभग सभी सेंटर्स के बारे में बता दूंगा भाई। तो भाई लोगों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बाकी सेंटर्स की वीडियो भी डालने वाला हूँ इस चैनल के अंदर। जय हिंद भाई लोगों।